गुड मॉर्निंग एवरीवन, विद्याघर अ कंप्लीट स्टडी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज दिनांक 11 जुलाई 2020 है तथा आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में हम यह डिस्कशन करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है, हाल ही में इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाला सेलिब्रिटी कौन बने हैं? ऑप्शंस दिए गए हैं, काइली जेनर, ड्वेन जॉनसन, शाहरुख खान, सलमान खान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ड्वेन जॉनसन। ये हैं ड्वेन जॉनसन, फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी में देखा ही होगा, उसमें ये द रॉक्स के नाम से भी जाने जाते हैं। इन्होंने ही इंस्टाग्राम पे एडवर्टाइजमेंट के जरिए सबसे ज्यादा कमाई की है। तो यह बात आई है इंस्टाग्राम की, तो इंस्टाग्राम के बारे में जान लेते हैं। इंस्टाग्राम के संस्थापक केविन सिस्ट्रॉम और माइक क्रेगर के द्वारा 2010 में की गई थी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर टू, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किए हैं? ऑप्शंस दिए गए हैं, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के रेवा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 10 जुलाई को एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट का उद्घाटन किया है। तो यह बात आई है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने जीवन अमृत योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत मध्य प्रदेश के लोगों को त्रिकुट के चूर्ण 50-50 ग्राम इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए दिए जाएंगे तथा मध्य प्रदेश सरकार ने जीवन शक्ति योजना शुरू की है। इस योजना के तहत महिलाएं 11 रुपये में प्रति मास्क बनाएगी और सरकार को बेचेगी। तथा मध्य प्रदेश के उमरिया डिस्ट्रिक्ट में बुजुर्गों की सहायता प्रदान करने के लिए संकल्प योजना की शुरुआत की गई है। तथा मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है तथा वहाँ के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान है तथा वहाँ के गवर्नर लालजी टंडन है। परंतु लालजी टंडन का तबियत खराब होने के कारण उत्तर प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का एडिशनल चार्ज दिया गया है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थ्री, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 4 जोम्बो कोविड देखभाल केंद्र का शुभारंभ किया है? ऑप्शंस दिए गए हैं, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कोविड 19 के पेशेंट की देखभाल के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 4 जोम्बो कोविड देखभाल केंद्र का शुभारंभ किया है। तो यह बात आई है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। हाल ही में मुंबई हाईकोर्ट चीफ जस्टिस दीपांकर दत्त बने हैं तथा महाराष्ट्र मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य बना है तथा महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है तथा वहाँ के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे हैं तथा वहाँ के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फोर, हाल ही में युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने किसके साथ समझौता किया है? ऑप्शंस दिए गए हैं, गूगल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, NSDC। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, NSDC। तो यह बात आई है NSDC की, तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन तथा इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 में हुई थी तथा हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है तथा NSDC का CEO मनीष कुमार हैं। तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फाइव, हाल ही में किस राज्य सरकार ने डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन ऐप लॉन्च की है? ऑप्शंस दिए गए हैं, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन ऐप लॉन्च की है। तो यह बात आई है पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल के बारे में जान लेते हैं। पश्चिम बंगाल की कैपिटल कोलकाता है तथा वहाँ के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी हैं तथा वहाँ के गवर्नर जगदीप धनखड़ हैं। तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सिक्स, हाल ही में भविष्य बचत खाता सेवा किस बैंक ने लॉन्च की है? ऑप्शंस दिए गए हैं, ICICI बैंक, HDFC बैंक, यस बैंक, फिनो पेमेंट बैंक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फिनो पेमेंट बैंक। इस सेवा में 10 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक की नाबालिग खाता खोलकर अपने सेविंग को डिपॉजिट कर सकते हैं ताकि उनके पास
सफिशियंट अमाउंट में सेविंग हो सके तथा इसमें कोई मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यह बात आई है फिनो पेमेंट बैंक की, इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 13 जुलाई 2006 में हुई थी तथा हेडक्वार्टर मुंबई है तथा फिनो पेमेंट बैंक के सीईओ ऋषि गुप्ता हैं तथा फिनो पेमेंट बैंक का टैगलाइन कदर आपकी मेहनत की है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में सीबीएसई ने क्लास 9th से 12th तक के सिलेबस में कितने प्रतिशत की कमी की है? ऑप्शंस दिए गए हैं 10%, 20%, 30%, 40%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 30%। तो यहाँ बात आई है सीबीएसई की, तो इसका फुल फॉर्म सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है तथा इसकी स्थापना 3 नवंबर 1962 में हुई थी तथा हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है तथा सीबीएसई के चेयरपर्सन मनोज आहूजा हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किसने असीमित मुफ्त कॉलिंग के साथ साथ जियो मीट वीडियो कॉन्फ्रेंस ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शंस दिए गए हैं रिलायंस, एयरटेल, बीएसएनएल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रिलायंस। जूम ऐप की तरह रिलायंस ने हाल ही में जियो मीट वीडियो कॉन्फ्रेंस ऐप लॉन्च की है तथा इस ऐप में 24 घंटा तक वीडियो कॉन्फ्रेंस किया जा सकता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में आधिकारिक रूप से WHO से अलग होने का ऐलान किस देश ने किया है? ऑप्शंस दिए गए हैं भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इटली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अमेरिका। हाल ही में आधिकारिक रूप से WHO से अलग होने का ऐलान अमेरिका ने किया है। अमेरिका को लगता है कि WHO कोरोना महामारी का जिम्मेदार है, इसलिए अमेरिका WHO से अलग होने का ऐलान किया है। तो यह बात आई है WHO की, तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तथा इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी तथा हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड है तथा WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस अधानोम हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुरेश आमोनकर की कोरोना वायरस की वजह से मृत्यु हुई है, वे किस राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री थे? ऑप्शंस दिए गए हैं नागालैंड, सिक्किम, गोवा, मणिपुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गोवा। तो बस आज के लिए इतना ही। यदि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। तो बने रहे हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।